वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। गणपति बप्पा के सामने कोरोना वायरस पड़ा फीका। हम बात कर रहे हैं जलगांव शहर की, जहां पर गणपति के आगमन में लोग इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें कोरोना वायरस की याद ही नहीं रही। जलगांव शहर के अजंता चौक, जीएस ग्राउंड और सागर पार्क, इन जगहों पर गणपति बप्पा की खूबसूरत मूर्तियां विराजमान थी, जिसे लोग अपने घर ले जाने के लिए ललायित थे। लेकिन बाबा के आगमन की प्रसन्नता इतनी लोगों में थी कि वह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, ना ही मास्क लगाने का काम। ऊपर से गंदगी का मायाजाल इतना कि लोग बीमार और बीमार हो जाएं। यहाँ आप देखिए, किसी को भी किसी तरह की चिंता नहीं है। बाप्पा की आतुरता में कोरोना की लोगों ने ऐसी तैसी कर दी है। बेहिचक निडर है ये जलगांवकर हैं। जलगांव शहर में एक दिन का आंकड़ा ऐसे भी 800 के पार हो चुका है। अगर इस तरह से हम लापरवाही करते रहेंगे तो बाप्पा भी हमें बचा नहीं पाएंगे। और अभी अगर 800 है तो अगर 2000 भी आंकड़ा पहुंच जाए तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की लापरवाही कोरोना वायरस को एक दूसरे में ट्रांसप्लांट करती है। हम सबको चाहिए कि बाप्पा के आने की खुशियां तो मनाएं, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस का डर अपने दिल से ना हटाएं, क्योंकि कोरोना वायरस गणपति बप्पा को नहीं बल्कि आपके शरीर को नाकाम बेकाम कर सकता है। इसलिए गणपति बप्पा से एक बार प्रार्थना करें कि इन 10 दिनों में गणपति बप्पा कोरोना वायरस को अपने साथ ले जाकर नष्ट कर दें, और आप सरकारी नियमों का पालन करें, मास्क लगाइए और दूरी बनाइए, ताकि कोरोना वायरस आपसे दूर रहे। जलगांव से जक्की अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।